दोस्तों आज हम करेंगे ये V-Net फोन के V6 इंटरकॉम जो बेसिकली राइडर्स अपने हेलमेट में यूज करते हैं, तो पूरा डिटेल रिव्यू दिखाऊंगा। ऐसा वीडियो आपने पूरे YouTube चैनल पे नहीं देखा होगा इस V-Net फोन का, तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है किशोर कुमार, आप मेरा चैनल देख रहे हैं दिल्ली एट किशोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये है V-Net फोन का V6, पहले इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या एसेसरीज मिलती है। इसकी मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। सबसे जरूरी होता है कॉन्स जानना, डिसएडवांटेजेस जानना कि बुराइयां क्या है। आपको लेने से पहले ना आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो मेरे वीडियो से आपको सब कुछ पता चलने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए फिर आज अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इस बॉक्स खोला, ये बॉक्स बेसिकली मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था इंटरकॉम। ये मुझे 3000 में पड़ गया था, डिस्काउंट चल रहा था उस टाइम, तो 3000 में मुझे पड़ गया था। अगर आपको भी ये चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं तो आप क्रोध बाद में थोड़ा सा इधर उधर हाथ पर मारेंगे तो 3-2800 तक मिल जाएगा आपको ना। तो ये है बेसिकली ये ब्लैक कलर का इंटरकॉम, ये सारे इसके बटन है, एक एक करके इसके सारे फीचर समझाऊंगा मैं आपको। ये हमने कई राइडर्स के देखा हुआ हेलमेट के बाहर यू करके लगा होता है ना, तो ये उसी को कहते हैं इंटरकॉम। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है आपके फोन से ना। ये इसकी एसेसरीज है कुछ मिलती है, ये इसमें एक बुकलेट मिलती है, ये बुकलेट जरूर पढ़ लीजिएगा आपको अगर इसकी डिटेल फंक्शनिंग समझनी है। तो इस बुकलेट में सब कुछ है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, बहुत अच्छी है बुकलेट, बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी आपकी। मैं इसको थोड़ा बॉक्स साइड में रख लेता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है आपको। देखिए इसमें ये है वेलक्रो, ये वेलक्रो आपके हेलमेट में जब साइड में जो जहाँ कानों में एक जगह होती है तो वहां ये चिपक जाएंगे। ये माइक है, जब आप कॉल पे रहेंगे तो ये आपका माइक है। ये दो स्पीकर है, इसके पीछे वेलक्रो है, ये चिपका के ये दोनों स्पीकर उस पर चिपक जाएंगे। और ये है कनेक्शन बेसिकली, ये इंटरकॉम में यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा आपके हेलमेट के पास, यहाँ कनेक्ट हो गया। अच्छा ये चार्जिंग केबल है, ये चार्जिंग केबल है, और ये आपके एलन की है। ये कुछ स्क्रू है जो इससे ये टाइट होगा, ये माउंट है आपका, ये जो माउंट है ये बाहर हेलमेट के आगे हो जाएगा और इससे इंटरकॉम यू करके फिक्स हो जाएगा, तो आपने बाहर लगाओ। ये इसके लिए कुछ स्क्रू है, तो ये कुछ कुल मिला के कुछ एसेसरीज हैं। तो आइए आपको इसकी फंक्शनिंग में बताता हूँ कि ये इंटरकॉम बेसिकली क्या क्या फीचर के साथ आता है। तो ये इंटरकॉम है बेसिकली, ठीक है ना। अब मैं आपको ये कहकर अपनी फंक्शन समझा देता हूँ। आप ये जो मोटरसाइकिल का बटन देख रहे हैं, बटन पे इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए ये लाइट ब्लिंक कर गई, और इसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो उसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। तो आप अपने फोन में जब देखेंगे तो V6 करके आएगा, तो V6 करके अपने फोन से देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, दैट मींस का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। ओके ये वॉल्यूम प्लस और माइनस का बटन है, वॉल्यूम आप ज्यादा कम कर सकते हैं म्यूजिक सुन रहे हैं। ये कॉलिंग का फीचर है, ये चार बटन एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये चार बटन है। जब आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ राइड कर रहे हैं और अगर सबने V6 का इंटरकॉम यूज कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली एक बटन दबा के उस बंदे से बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी और दूसरे से बंदे बात करनी है तो इस ये बटन दबा के सी राइडर बंदे से बात कर सकते हैं। ऐसे करके BCDE चार बटन दे रखे हैं, आप चारों राइडर से साइमल्टेनियसली बात नहीं कर सकते, एक एक करके बात कर सकते हैं। तो ये इसके पूरा फीचर है, ये छोटा सा बटन है, ये से ऑफ हो जाता है, ये मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया। कुछ अच्छे फीचर्स की बात करते हैं। देखिए फीचर में सबसे अच्छी बात बताऊं तो ये पहली बात तो बहुत बजट इंटरकॉम है कि हर राइडर जो भी न्यू बिगनिंग है, जो भी न्यू बीज है राइडिंग फील्ड में ना, वो इसको अफोर्ड कर सकता है। 3000 मुझे नहीं लगता कोई बुरी है, एक बहुत अच्छा है, लुकिंग लुक वाइज भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, आपको कोई ऊपर से कोई प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। आप बारिश में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, स्पीति, कहीं भी anywhere, जहां बरसात होती है, जहां बर्फ पड़ती है, ओस फॉग पड़ती रहती है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, पानी से बच जाएगा पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत अच्छी आवाज है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी है, इसके स्पीकर बहुत अच्छे साउंड्स के साथ आते हैं। और ये इसका कॉलिंग का बटन है, आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो कॉल उठेगी नहीं, कॉल कटेगी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों कटेगी कॉल। और सबसे अच्छी बात है इसकी बॉडी इसकी रबर से बनी हुई है, फिसलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और अच्छा भी लग रहा है ना। अब बात करते हैं इसकी कुछ कॉन्स के बारे में, कुछ कमियों के बारे में। मुझे लगता है अगर कंपनी ये चीज भी थोड़ा डाल देती ना तो सबसे बेस्ट इंटरकॉम होता है अपने सेगमेंट का ना, 3000 के प्राइस में। तो सबसे पहली बात जो इसमें मुझे लगा, जैसे मान लीजिए आप राइड कर रहे हैं और किसी का कॉल है और आप नहीं चाहते उठाना, तो वो आपके हाथ में नहीं है, आप इतना कर सकते हैं कि आप ये फोन का जो ये फोन कॉलिंग का बटन दे रखे ना, ये बेसिकली उठाने के लिए नहीं है, ये फोन को काटने के लिए है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो फोन कट जाएगा। अगर आपको फोन नहीं काटना है और आप चाहते हैं कि फोन कटे भी ना उठे भी ना, मगर ऐसा कोई फीचर नहीं है, 3 दिन के बाद फोन अपने आप ही उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप राइडिंग कर रहे हो और आपका बॉस फोन कर रहा है, कोई ऐसा दोस्त फोन कर रहा है जो जिसका आप फोन नहीं उठाना चाहते, मगर ऐसा कोई फीचर ही नहीं है, 3 दिन के बाद ये अपने आप ही फोन उठ जाएगा। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आप अपने 6-7 राइडर्स के साथ फोन कर रहे हैं तो आप 7 डेज़ आप एक साथ सबसे बात नहीं कर सकते। जैसे जितने भी पुराने थोड़े महंगे महंगे इंटरकॉम आते हैं, जो थोड़े और पुराने हैं, पुरानी के हैं, सेना के हैं, बहुत सारे पुराने पुराने इंटरकॉम है, उसमें आप 7 डेज़ अगर 6-7 राइडर भी बात कर रहे हैं ना,
तो 6-7 राइडर अपने एक साथ बात कर सकते हैं इंटरकॉम पे, बट इतना आसान है, आप इसमें एक टाइम एक बंदे के साथ बात कर सकते हैं, इसलिए स्विच दे रखे हैं। अगर आपको बी राइडर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे बात करेगा। अगर आपको सी राइडर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप सी बटन प्रेस करेंगे, फिर वो बी वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सी वाला कनेक्ट हो जाएगा। तो एक ये फीचर है, मगर ठीक है 3000 में इतना मिल रहा है वो भी कम नहीं है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप थोड़ा सबसे आपके राइडिंग ग्रुप ज्यादा है, ज्यादा लोगों के साथ जाते हैं और आप चाहते हैं सबके साथ इंटरकॉम साइमल्टेनियसली बात करें, तो आप इससे थोड़ा ऊपर वाले वर्जन में जा सकते हैं जो V8 है, जो पूरे आप 6-7 राइडर के साथ साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं, बट इसमें ये फीचर नहीं है। दूसरी बात मुझे इसमें थोड़ा सा ये और लगा, जैसे ये इसकी चार्जिंग केबल है तो हम क्या स्टिक हो जाते हैं, ये जो 3.5 mm जैक देखे हैं हम इसी से चार्ज कर पाते हैं। अगर इसमें टाइप सी या यूएसबी बी टाइप का कनेक्टर दिया होता ना चार्जिंग के लिए तो और अच्छी बात होती है। ये है टाइप ए कनेक्टर, ये 3.5। अगर इनके से वायर खराब हो जाती है और ये अगर वायर टूट जाती है, खो जाती है, तो हम बेसिकली फिर इसके लिए अलग से चार्जिंग केबल खरीदनी पड़ेगी, तो वो चीज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा अगर कंपनी टाइप सी या टाइप बी दे देती तो और सबसे बढ़िया वो होता। अच्छा, मैं इसकी बैटरी बैकअप के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप इसको सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आराम से 10 से 12 घंटे आपको बैकअप दे देगा। अगर आप राइडिंग के टाइम म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो 7-8 घंटे का इसका बैकअप है, जो ऐसा कि इसकी बुकलेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, अब टाइम है इसको अपने हेलमेट में फिट कराने का। मैं हूं इस वक्त अभी करोड़ बार, जैसे कि आपने बहुत सारी आवाजें तो सुनी नहीं होंगी गाड़ी की, बुलेट की, सबकी, तो करोड़ बार में कभी शांति तो मिलेगी नहीं, तो अभी बहुत सारा शोर है। तो चलिए फिर चलते हैं इसको अपने हेलमेट में लगवाने के लिए। मैं जा रहा हूँ करोड़ बाग में चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे, जो वहीं से मेरे बात हो गई है, तो वहीं से जाकर मैं फिट करवाऊंगा इसको अपने हेलमेट में। तो आइए फिर बने रहिएगा वीडियो में, मिलते सीधे इसको अपने हेलमेट में लगा के आपको दिखाता हूँ, मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है वो हेलमेट, जिसमें ये मेरा हेलमेट है, इसमें इंटरकॉम लगा रहा हूँ। ये है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे, संजय भाई है काम करते हैं, तो ये लगाएंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे लगाते हैं, भाई लगा दो जल्दी से ना। तो बेसिकली इंडियन हेलमेट होते हैं, जो फॉरेन हेलमेट होते हैं ना, इनमें प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्लॉट आता है इंटरकॉम लगाने का। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आता, इसमें थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो उसी में ये फिट करेंगे। तो देखिए इस वक्त अभी निकाल रहे हैं, ये इंटरकॉम निकाल के साइड में रख दिया है। ये एलन की है, पहले एलन की से स्क्रू खोलेंगे, वही जिसमें ये आपके बाहर से इंटरकॉम फिट होगा। तो आपको भी कभी कुछ लेना हो तो चोपड़ा ऑटोमोबाइल आ जाइएगा, सारा राइडिंग में सामान मिलेगा सब कुछ। ये हेलमेट भी मेरा, मैंने यही से, मेरे तीन हेलमेट थे, तीनों के तीनों मैंने चोपड़ा ऑटोमोबाइल से परचेज किए हैं। ये है वो वेलक्रो जिनके बारे में आपको मैं बता रहा था, इसको पील करके भैया वहां हेलमेट पे चिपका देंगे और इसी पे आपके स्पीकर चिपकेंगे। अगर आप अपने खुद से लगा रहे हैं तो बड़े ध्यान से लगाइएगा, जरा सी भी कुछ मिस्टेक ना हो वरना खराब हो जाता है। देखिए ये भैया ने चिपका दिया, एक मिनट भैया थोड़ा दिखा देंगे इस वीडियो को मेरे, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हो ना, ये लगा हुआ है, देखिए ऐसे ही आप भैया दूसरी जगह लगा देंगे। ये दोनों लग चुके हैं, अब बारी है ये स्पीकर्स लगाने की। पूरे अच्छे से वायर सब भैया पैडिंग में हाइड कर देंगे, क्योंकि कोई वायर लटकती है ना तो फिर वो खींचने का डर रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगती। हमेशा माइक की पोजीशनिंग ऐसे कराइए ताकि ज्यादा मुंह के पास भी ना रहे, सो दैट आपको भी सांस लेते ना, वो सांस की आवाज भी रिकॉर्डिंग में जब हम व्लॉग कर रहे थे तो वो उसमें भी आ जाती है। तो थोड़ा माइक ना थोड़ा मुंह से थोड़ा दूर होना चाहिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भैया देखिए स्पीकर चिपका रहे हैं, we
तो देखिए दोस्तों इंटरकॉम रख चुके हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है और रेड हेलमेट पे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं प्रॉपर रेडी हो चुका हूँ ब्लॉगिंग के लिए, इंटरकॉम लग चुका है। अब यहाँ पे लगवाना है मुझे अपना गोप्रो, तो यहाँ पे उसके लिए पहले मैं ब्लू आर्मर का चिन माउंट ऑर्डर करूंगा ऑनलाइन और फिर यहाँ लगेगा गोप्रो। तो मैं कम्प्लीटली अब रेडी हो रहा हूँ धीरे धीरे, पूरा बस एक ट्रे चीज आई है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे आपके एक लाइक से। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन लाइक से अच्छे से और हमने पसंद गाड़ी जरूरत लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।